नमस्कार, शाम के 5 बजे आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। वक्त ताल ठोक के का है। क्या देश में अब मोदी विरोध के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है? आज ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल पटना में हो रही मुस्लिम संगठनों की रैली से इस रैली का नाम तो दिया गया है दीन बचाओ देश बचाओ, लेकिन इस रैली में जिस तरह का एजेंडा उठाया गया उससे आरोप ये लग रहे हैं कि ये रैली मजहब की आड़ में 2019 में मोदी को हटाने के लिए की गई है। इसलिए ताल ठोक के शाम 5 बजे पूछेंगे कि दीन बचाओ के नाम पर क्या देश को भड़काने की कोशिश तो नहीं हो रही है। शाम 6 बजे सवाल होगा कि क्या महबूबा मुफ्ती लाखों कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगी? कठुआ को लेकर उनकी तरफ से बयान आया है। लेकिन इस वक्त का सवाल यह कि क्या 2019 से पहले देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश हो रही है? दरअसल मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक जैसे बर्बर कानून से आजादी दिलाना क्या इस्लाम पर खतरा है? यह सवाल आज पटना में हो रही दीन बचाओ देश बचाओ रैली में है। रैली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया जैसे मुस्लिम संगठनों ने बुलाई है, जिनका आरोप है कि ट्रिपल तलाक और लाउड स्पीकर से अजान पर बैन समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके सहारे मोदी सरकार मुसलमानों के पर्सनल लॉ पर हमला कर रही है। रैली आयोजित करने वालों के मुताबिक आज मुस्लिमों को इसलिए इकट्ठा किया गया ताकि ये संदेश दिया जा सके कि इस्लाम के साथ साथ देश भी खतरे में है, दीन भी खतरे में है, देश भी खतरे में है। दीन बचाओ देश बचाओ। हमारा सवाल यह कि दीन खतरे में है या फिर उन कट्टरपंथियों की दुकानदारी जो इस्लाम को खतरे में बताकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए ताल ठोक के सवाल खड़े कर रहे हैं। पटना की रैली में क्या मजहब का बहाना है मोदी को हटाना है? सबको 2019 के लिए किया जा रहा है क्या? इसे शरिया कानून के लिए संविधान से दुश्मनी क्यों ना माना जाए? क्या महिलाओं को बराबरी देने से इस्लाम खतरे में आ जाता है क्या? एक और बड़ा सवाल, दीन बचाओ के नाम पर क्या देश को भड़काने की कोशिश हो रही है? और सबसे अहम सवाल ये, मजहब बहाना है, मौलाना को दरअसल अपनी दुकानदारी बचाना है। चर्चा की शुरुआत इससे पहले रिपोर्ट आपके लिए देखनी जरूरी। हम लोग पूरे मुल्क के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि भाई संविधान असल है, वही इस देश की भी हिफाजत करता है, मजहब की भी, लोगों की जान माल इज्जत आबरू की। हम कह रहे हैं संविधान को सही तौर पर लागू किया जाए, उसमें जो बातें हैं वो बुनियादी बातें हैं उसी को सामने रखें। मरकज़ की जो हुकूमत है उन्होंने गुज़श्ता चंद सालों में कुछ ऐसी गलत पॉलिसियाँ बनाई हैं जिनकी वजह से मुल्क का दस्तूर और आइन भी ख़तरे में महसूस होता है और हमारी शरीयत पर तो खुला हुआ हमला और मुदाखलत किया गया है। अपने धर्म को बचाना है, कुछ लोग हमारे धर्म से धर्म के साथ मजहब के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उस पर हम लोग आए हैं, अपने मिलजुल कर अपने धर्म को बचाएंगे। देखिए, ये वही लोग हैं जो इस समय इस देश की सामाजिक एकता, कौमी एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ सब कोई सुरक्षित है। सच बात तो ये है कि न तो कोई जाति खतरे में है, न कोई इस्लाम खतरे में, न हिंदुत्व खतरे में है। मुझे लगता है देश बचाने की एक घड़ी आ गई है। ये एक ऐसी घड़ी है जिसमें हम सबको मिलकर अभी देश की संस्थाओं को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश के दलितों, किसानों, युवतियों, युवाओं, बेरोजगारों, इन सबको बचाने की घड़ी आई है। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे कार्यकाल में जो गवर्नेंस का मॉडल पेश किया कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कानून के हाथ लंबे होते हैं और संविधान की मूल आत्मा है हर धर्म जाति के लोगों को अपने निष्ठा के अनुकूल अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए इस देश के अंदर रहना, ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता इस वजह से आज मुल्क में पड़ गई है कि आखिर हमारा रोल इस मुल्क में है या नहीं। अगर हमारा रोल है तो हमारा हक भी है, और अगर हमारा हक है तो हमारी हक की सुरक्षा भी होनी चाहिए। और #दीन की दुकानदारी, इस पर आप ट्वीट कर सकते हैं।
चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजनीति में आने से पहले पत्रकार रहे, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, दोपहर का सामना के एडिटर रह चुके हैं। प्रेम शुक्ला साहब स्वागत आपका। मेरे साथ राकेश सिन्हा जो कि संघ के विचारक हैं, आरएसएस विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। राकेश सिन्हा जी स्वागत है आपका। आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिता में 4 दशक का अनुभव, 40 सालों का। आलोक मेहता जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर फहीम बेग मुस्लिम स्कॉलर हैं, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं, टीवी डिबेट्स में मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। फहीम बेग साहब स्वागत है आपका। रिजवान अहमद, डॉक्टर रिजवान अहमद जो कि इस्लामिक मैरिज लॉ में पीएचडी हैं, लखनऊ में वकालत करते हैं और इस्लाम के जानकार हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद आपका भी स्वागत। इसके अलावा मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक हैं। डॉक्टर उपाध्याय आपका भी स्वागत। और साथ ही मेरे साथ बताया जा रहा है कि मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। कासमी साहब आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा कासमी साहब, अगर आप समझा पाएं और तमाम पैनलिस्ट को बता पाएं कि दीन कैसे खतरे में है, जो इस्लाम है वो कैसे खतरे में है, क्या क्या हुआ आप बता पाएं अगर। देखिए तो दीन खतरे में तो कोई नहीं है, दीन इतना कमजोर नहीं होता कि खतरे में होता। अलबत्ता दीन पर जिस तरीके से हमला करने की कोशिशें हो रही है, जिन दीन के खिलाफ जिस तरह की साजिशें कर रही है ये सरकार, यकीनन उन साजिशों को नाकाम बनाना मुसलमानों की जिम्मेदारी है। और उसके साथ ही न सिर्फ ये कि अगर दीन की, ये मजहब हर मजहब के मानने वालों को मुकम्मल आज़ादी देता है, दीन की हिफाजत को यकीनी बनाता है, अगर किसी भी मजहब को कोई ख़तरा होगा तो यकीनन उससे देश भी खतरे में आएगा। तो इसलिए हमने दीन बचाने के साथ देश बचाओ का भी नारा दिया है। और यहाँ देश की जो सूरत हाल है, जो बिहार में जिस तरीके से सूरत हाल पैदा हुई, पहले मुसलमानों के साथ फसादात का एक सिलसिला लंबा चल पड़ा, उसके बाद अब दलितों का सिलसिला चल पड़ा, उसके बाद छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप का सिलसिला चल पड़ा, ऐसा लग रहा है कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, लाकानूनियत आम हो चुकी है। तो इस पसे मंजर में सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना ये हर शहरी की जिम्मेदारी है। देखिए कासमी साहब, सरकार ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंका जाए, उसके खिलाफ आवाज बुलंद। देखिए एक मिनट आपका पूरा हुआ, एक मिनट आपका पूरा हुआ सर, एक मिनट, ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा आपने सेट कर दिया, पूरा पॉलिटिकल भाषण था। मुझे आपको फिर से, मैं चलिए आपको 30 सेकंड दूंगा और इस बार गंभीरता से मेरा सवाल सुनिए। देखिए आपने ही कहा दीन बचाओ, कुछ चीज खतरे में होगी तभी तो बचाएंगे ना, दीन बचाओ देश बचाओ, कुछ खतरे में नहीं होगा तो बचाएंगे क्यों? इसलिए मेरा सवाल था कि क्या दीन खतरे में है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको फिर से 30 सेकंड दे रहा हूं, मुझे एक मिनट सर मेरा सवाल सुन लीजिए, एक मिनट सर मैं आपको फिर से 30 सेकंड दे रहा हूं, आपको एड ऑन 30 सेकंड दे रहा हूं, किसी को नहीं दिए मैंने, आप मुझे प्लीज एक बार बताइए। आपने कहा साजिशें हो रही हैं, सूरत हाल खराब है, रहने नहीं दिया जा रहा माहौल, सर मुझे 2 से 3 से 4 साजिशें बताइए, ऐसे करके बताइए कि हाँ ये हुआ, हवा में मत बताइएगा, आप बताइएगा ये गलत काम हुआ, बताइए 30 सेकंड आपके पास। आप ये देख लीजिए कि पार्लियामेंट में जब तलाक बिल आता है तो पार्लियामेंट की गैलरी में बीजेपी की कुछ कार्यकर्ताओं को बुर्का पहना करके बिठा दिया जाता है और दुनिया को यह दिखाया जाता है कि ये मुस्लिम महिलाएं एक हो गए ट्रिपल तलाक, अगला बताइए ला रहे हैं, एक हो गए ट्रिपल तलाक, अगला बताइए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर महिला सड़कों पर आकर हो गया ना, आपके सेकंड खत्म हो जाएंगे, ट्रिपल तलाक मुसलमानों से पूछा गया, बताइए उसके बाद, उसके ट्रिपल तलाक उसके बाद बीजेपी के ही लीडर कुछ महिलाओं को आगे बढ़ा करके और खुद ही आगे पढ़ करके आप पॉलीगैमी और हलाला जैसी चीजों को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं। फिर से आपको समय दिया, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, यकीन मानिए आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है आप लोगों का। कासमी साहब पूरे 30 सेकंड दिए, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि आप लोग बस इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में, अरे बताइए ना सर कैसे खतरे में है, एक आपको ट्रिपल तलाक मुद्दा मिल गया है उसी को आप गुना रहे हैं और कुछ आपके पास एक लाइन नहीं आपके पास बताने के लिए। कासमी साहब चलिए ठीक है, ठीक है सर आपका समय पूरा हुआ, इनका ऑडियो बंद किया जाए, आपका समय पूरा हुआ सर, माफ कीजिएगा, फिर डिबेट ओपन होगी ना, फिर मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन वही बात है ना, जिन जिन देशों में ट्रिपल तलाक बैन है वहां पर मोदी सरकार है क्या? तमाम इस्लामिक देशों में, और वैसे भी ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक कोई धर्म से जुड़ा मुद्दा थोड़ी ना है, वो तो गैर बराबरी का है, जो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने से जुड़ा मुद्दा है, संविधान में आर्टिकल 14, 15, 19, 21 ये तमाम चीजें है ना, उसी के बाद किया गया। प्रेम शुक्ला साहब ये कहा जा रहा है, ये सवाल बार बार उठता है और ये पहली बार नहीं है सर, बड़ा गंभीर सवाल है आपसे कि क्यों मुस्लिम इनसिक्योर या इतने फेयरफुल हैं, क्यों डरे हुए हैं या डराया जा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है?
ये फियर फैक्टर क्यों है मुस्लिमों के अंदर? देखिए, मुस्लिम बिल्कुल डरा हुआ नहीं है, लेकिन जैसा आपका प्रश्न है कि कुछ लोग जो दीन के नाम पे दुकान खोल के बैठे हैं उनकी दुकानें खतरे में, ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय बेंच ने ये फैसला किया कि आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो अमानवीय, असंवैधानिक है। अब उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने ही स्वयं पार्लियामेंट को निर्देश दिया, सरकार को निर्देश दिया कि आप इस पर एक कानून, नया सरकार उस पर कानून बना रही है, इस पर इनको लग रहा है कि दीन खतरे में आ जा रहा है। दरअसल इनकी जो दुकान थी कल तक ऐसा हुआ करता था कि सेकुलरवाद के नाम पर जो लोग मुस्लिम वोट बैंक बनाए बैठे थे वो कुछ मुल्ला समुदाय के पास जाकर उनसे वोटों का सौदा करते थे। ये सौदागरी पिछले 3 वर्षों से घटी है, 4 वर्षों से घटी है। उस घटी हुई सौदागरी के कारण इनका सामाजिक महत्व घटा है, इनके आर्थिक जो लाभ थे वो घटे हैं, इसलिए संविधान की मिथ्या दुहाई दे रहे हैं। यदि संविधान में इनका विश्वास होता तो ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को स्वीकार लेते, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन ही मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को छीनने के लिए। आपका समय पूरा हुआ प्रेम शुक्ला साहब, लेकिन इसको इतनी आसानी से सर आपकी आवाज नहीं जाएगी आप प्रेम शुक्ला साहब, लेकिन इसको इतनी आसानी से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहली बार नहीं है, बार बार मुस्लिमों की तरफ से इस तरह की आवाज उठती है। जो कंसर्न अगर है उनका तो उसको भी एड्रेस आपको शायद करने की जरूरत है। इसको इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि कुछ दुकानदारी हो जाएगी इस वजह से। सबर फहीम बेग साहब, आप मुझे बताएं, क्या इस्लाम वाकई खतरे में है क्या सर? दीन को बचाओ ये नाम दिया गया, इसलिए मैंने बोला है कि दीन बचाओ मतलब कुछ खतरे में है तभी बचाओ। क्या दीन खतरे में है क्या सर? फहीम बेग साहब, दुकानदारी की बात चल रही है आज इस डिबेट में, शायद आपने हैशटैग भी जो है वो दुकानदारी का रखा है। तो देखिए, आजकल जो दुकानदारी सबसे बड़ी चल रही है वो भाजपा और आरएसएस की है, और बहुत अच्छा से इनका बिजनेस जो है फल फूल रहा है और देश में बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, बढ़िया बेच रहे हैं, राम को बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, तिरंगे को बेच रहे हैं, भारत माँ को बेच रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं सब बेच रहे हैं। अफसोस ये है कि देश में जो होना चाहिए था, जिन वादों के साथ आए थे, वो नहीं है। रही बात मुसलमानों की, तो देखिए साहब, मुसलमान कभी खतरे में नहीं थे, ना है, ना इंशाल्लाह होंगे। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क में, इसकी जड़ों में हमारा खून बराबर का शरीक है। ये चंद लोग आए हैं, मुट्ठी भर लोग आए हैं, जो जिनके पास देने के लिए सर्विसेज नहीं है, जो प्रोमिसेस डिलीवर नहीं कर पाए हैं, तो अब ये इस तरीके से पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल बना है, आज दलित सड़कों, आज औरतें सड़कों पर हैं, स्कूल के बच्चे जिनके पेपर लीक हुए वो सड़कों पर हैं, महिलाएं सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, और अब तो अफसोस इस बात का है कि विपक्ष के साथ साथ ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री, मैंने आपको भी पूरा 1 मिनट दिया, चलिए मैं आपको फिर से 30 सेकंड देता हूं सर, क्योंकि मैं ना वाकई समझना चाह रहा था। मैं जब ये डिबेट करने आ रहा था, मैं लगातार ये पढ़ रहा था, समझना चाह रहा था कि ये रैली क्यों, ये आंदोलन क्यों। मुझे बताया गया कि नारा है देश दीन बचाओ, देश बचाओ, दीन मतलब होता है धर्म। सर आप मुझे एक चीज बताइए, जो मैंने कासमी साहब को भी कहा, सर अगर आप भी मुझे बता पाए, ट्रिपल तलाक आप लोग कहते हैं, क्या कोई ऐसी चीज है जो मोदी सरकार की तरफ से मुस्लिमों पर की गई और जो गलत हुई, अगर आप मुझे गिनवा पाए कि हाँ एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। सर मैं आपको फिर से 30 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज मुझे बताइएगा कि ये किया मोदी सरकार ने, इसलिए आज देश का मुसलमान सड़कों पर है, बताइएगा सर। भाषण मत कीजिएगा सर, प्लीज 30 सेकंड। देखिए, मैं जो जिस तरह की कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, सहमत नहीं हूं। देखिए, मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे जिस प्रकार के धार्मिक जो गुरु हैं या इस तरह की जो हमारे एजेंसीज हैं, ये अपने अधिकारों के लिए तो इस तरीके से सड़कों पर नहीं उतरते। हमें शिक्षा नहीं मिलती, हमें रोजगार नहीं मिलता, हमें जीने का अधिकार पूरी तरीके से नहीं मिलता, सुरक्षा के नाम पर और धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर मारा और काटा जाता है, तब ये लोग जो हैं छुपे रहते हैं। और अभी जिस तरीके से दीन बचाने की बात कर रहा है, तो ये दीन बचाने का तरीका नहीं है। फिर वही हुआ, कासमी साहब को भी मैंने 1.5 मिनट दिया, अतिरिक्त 30 सेकंड दिए, सर आपको भी दिए, आप लोग भी नहीं बता पाए कि कैसे बचाओ, क्या ऐसा हो रहा है, सिर्फ हवा हवाई या तो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में अगर कुछ हो रहा है तो कहिए ना, आप बोलिए एक ये किया जा रहा है। आप लाउड स्पीकर कहेंगे तो भाई वो तो मंदिरों के भी लाउड स्पीकर बंद हुए हैं, आप ट्रिपल तलाक कहेंगे वो तो संविधान सम्मत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, सर संविधान के हिसाब से चलना है तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर थोड़ी ना आप लोग। फिर आप नहीं गिना पाए कि ऐसा क्या, डॉक्टर रिजवान अहमद आप अगर बता पाए सर, क्यों ये कहा जा रहा है इस्लाम खतरे में है, क्यों कहा जा रहा है धर्म खतरे में है, जी जी धर्म बचाओ, दीन बचाओ, ये माहौल बनाया जाता है क्या जबरदस्ती का?
या वाकई में कुछ है अगर आप बता पाए? नहीं नहीं साहब, नहीं 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 बिल्कुल खतरे में, मैं आपको बताता हूँ जल्दी जल्दी। पहली चीज, मैंने कल भी आपके डिबेट में बोला था, रिपीट कर दूं, जैसे भू माफिया होता है, सैंड माफिया होता है, ऐसे मजहबी माफिया भी होता है। बाकी धर्मों में इस माफिया को कंट्रोल कर लिया गया, मुसलमानों में इस मजहबी माफिया को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। जब तक इस मजहबी माफिया का सामाजिक इंकाउंटर नहीं होगा, तब तक ये मजहबी माफिया इस देश में फसाद पैदा करता रहेगा, मुसलमानों को डराता रहेगा, अपनी दुकान चलाता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता से बोला कि नहीं साहब कोई बात तो जरूर है जो मुसलमान इनसिक्योर फील करता है। अमन भाई, मैं आपको बता दूं, मुसलमान अमेरिका में भी इनसिक्योर फील करता है, यूरोप में भी फील करता है, ऑस्ट्रेलिया में भी करता है, पाकिस्तान में भी करता है, सीरिया में भी करता है, इराक में भी करता है, ईरान में भी करता है, अफगानिस्तान में भी करता है, चाइना में भी करता है, फिलीपींस में करता है, श्रीलंका में करता है। तीसरी बात, मोदी साहब ने जो इस्लाम के खिलाफ इस देश में काम किया है वो ये है कि उन्होंने मुसलमानों के मौलानाओं के एनजीओ। ठीक है सर, आपकी बात पहुंच गई, आपकी बात पहुंच गई। सर एक मिनट पूरा हुआ, डॉक्टर रिजान अहमद, आपने ठीक है, ये मजहबी माफिया हैं और ये दरअसल दीन नहीं, उनकी दुकानदारी खतरे में है क्या, जो ट्रिपल तलाक को चीजें को लेकर चीजें हुई। राकेश सिन्हा साहब, अगर आप बताएं कि ये इस तरह का रोष क्यों है, या ये रोष पैदा किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है 2019 से पहले, या आपको भी लगता है ये राजनीतिक मकसद है दरअसल इस तरह के आयोजन का? राकेश सिन्हा साहब, देखिए 1951 में पहली जनसंख्या जनगणना हुई देश में आजादी के बाद, तब इनकी जनसंख्या 9% से थी। 2011 में जनसंख्या हुई तो 14% से अधिक हो गए। हिंदू जनसंख्या 84% से घट के 80%, जो अलार्मिंग है, 80% से नीचे 79% पे पहुंच गई। जो जनसंख्या 9 से 14 हो जाती है, देश के दो राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में मुस्लिम जनसंख्या अबाध गति से बढ़ रही है, उनको हर प्रकार का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, सभी व्यवस्थाएं आती हैं वो जारी रहती हैं, और ये कहते खतरे में है। जब भी सुधार की बात होती है, संविधान लागू करने की बात होती है, तो इनका दिन खतरे में आ जाता है। और ये आजादी से पहले जयप्रकाश नारायण को नहीं छोड़े, आलोक मेहता जी बैठे हुए, जयप्रकाश नारायण जी बिहार में ड्राउट के लिए काम कर रहे थे, उन पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाने वाले ऐसे ही ताकतें पटना में थी, तब जवाहरलाल नेहरू को जाकर जयप्रकाश नारायण को प्रमाण पत्र देना पड़ा कि जेपी कॉमनल नहीं हो सकते हैं। जब जेपी को नहीं छोड़ा तो नरेंद्र मोदी आरएसएस को ही क्या छोड़ेंगे। इसलिए जो दिन खतरे की बात कहते हैं, वास्तव में ठीक है। सर राकेश सिन्हा जी, आपने भी अपनी बात रखी। आलोक सर, अगर आप बताएं, ये क्या डराया जा रहा है मुसलमानों को, माहौल बनाया जाता है इस तमाम चीजें कह के? क्योंकि मैंने 1.5 मिनट दिया, मैंने पूरा समय दिया, मुझे कोई नहीं बता पा रहा है कि ये इन इन वजहों से हम कह रहे हैं कि हाँ हमारा धर्म खतरे में है या दीन खतरे में है, कोई नहीं बता पा रहा। अमन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, धर्म खतरे में नहीं है, लेकिन ये सही है कि कई तत्व, कई संगठन, और राकेश जी भी शायद माने या मानेंगे कि अभी प्रवीण तोगड़िया जी हैं, जैसे वही मोदी जी पर जो हमला कर रहे हैं, तो ऐसे जो नेता हैं जो अपनी दुकान चलाते हैं, वो मौलाना भी हो सकते हैं, वो प्रवीण तोगड़िया भी हो सकते हैं, या और किसी नाम पर कहीं बैठ करके आतंकवादी गतिविधियों के साथ भी शामिल हो सकते हैं। तो वो क्या है, इन लोगों का काम यह है कि लोगों को भड़का, उनकी अभी आपके और मेहमानों ने जैसा कहा कि जो उनके असली हित हैं, उनकी शिक्षा के, उनकी चिकित्सा के, उनके रोजगार के, उन मुद्दों को लेकर नहीं, धर्म खतरे में, धर्म कहीं खतरे में नहीं है। देखिए, कहीं भी कोई जाता है, उसको कोई नमाज पढ़ने से कहीं, किसी को मंदिर में जाने से कहीं, किसी गुरुद्वारे में जाने से, चर्च में जाने से कहीं कोई रुकावट है, धर्म किसी का कहीं खतरे में नहीं है। ये नरेंद्र मोदी, हम ये नहीं करें कि आप सरकार का समर्थन करें, विरोध करें, एक वोट का अधिकार सबको है, लेकिन केवल इस मुद्दे पर जो बिहार में किया जा रहा है, इससे साबित होता है कि केवल इसको एक दुकान जो जिसका शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या राजनीति, अखाड़ेबाजी, या लोगों को, उन मुस्लिमों का नुकसान किया जा रहा है। आलोक सर ठीक है, और मेरे ख्याल से इस चीज का, ये जो बार बार नारा दिया जाता ना, इस्लाम खतरे में है, धर्म खतरे में है, ये एमजे अकबर साहब ने एक संसद में, सर जब ट्रिपल तलाक पर बहस हो रही थी उसको भी मैं आज निकाल कर सुन रहा था, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि ये जो नारा है ना, इस्लाम खतरे में है, आजादी से पहले ये नारा देश के बंटवारे के लिए दिया गया था, और अब फिर से यही नारा देने की कोशिश की जा रही है समाज को बांटने के लिए, क्या ये भी मेरा सवाल होगा? लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, सबसे बड़ा आरोप तो कांग्रेस पार्टी पर लगता है, यही कहा जाता है ओवैसी साहब और तमाम मुस्लिम जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, कांग्रेस सबसे बड़ी गुनहगार है इसमें।
डॉक्टर राजीव उपाध्याय, देखिए पहले तो मैं स्पष्ट तौर पे करना चाहूँगा कि चूंकि मैं समर्थक जरूर हूँ लेकिन मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे इनके प्रवक्ता की ये बात है जो भी कहें, लेकिन सच्चाई है इस देश में आज जिस तरह से पिछले 4-5 वर्षों में सामाजिक और धार्मिक लेवल पर धीरे धीरे जो बिखराव हो रहा है, कहीं ना कहीं वो बिखराव जाकर के समाज को अंततः और राष्ट्र को कमजोर करता है। और राष्ट्र को कमजोर करने में कोई भी ताकत हो और कोई भी धर्म हो कोई भी समाज हो, मैं कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करता, देश में यदि कोई भी ताकतें ऐसा काम करे चाहे वो सामाजिक संगठनों की बात हो या राजनीतिक संगठनों की बात हो तो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जहां तक एक बात है समावेशी विकास की बात लगातार की जाती है। नहीं 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 भाषण नहीं, मेरा टाइम है, आप सुन लीजिए। स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, आज पूरे देश में जिस तरह से धार्मिक सद्भाव को तोड़ने के लगातार प्रयास हो रहे हैं, क्या हुआ आपने देखा? कैसे क्या यहाँ जो आपका नोएडा में जो घटनाएं हुई, कौन था, क्या क्या पहलू खान कौन था, किसके लिए क्या क्या घटनाएं थी, गाय के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी समुदाय के नाम पे, कभी संप्रदाय के नाम पे, जो भावनाएं जा रही वो भावनाएं नहीं बढ़ती। ठीक है सर, कासमी साहब मेरे ख्याल से सबसे रिएक्शन लिया और सबका मेरे ख्याल से यही सवाल सबके जहन में होगा, अगर दीन को बचाओ आप लोग नारा दे रहे हैं, मुझे एक चीज का जवाब आप सीधा दे पाए अगर दीजिएगा, दुनिया के कौन से देश में भारत से ज्यादा आपका दीन सुरक्षित है? कौन से देश में? अगर भारत में आपका दीन सुरक्षित नहीं है तो मुझे एक देश का नाम बताइए सर जहां पर आपका दीन सुरक्षित होगा आपको लगता है भारत से ज्यादा। वेरी गुड, वेरी गुड कासमी साहब। देखिए दुनिया के किसी देश से हमें कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तान हमारा देश है, हमारा देश सबसे खूबसूरत देश है, इस देश की खूबसूरती कासमी साहब ये क्या बात हुई, कोई भी कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कासमी साहब देखिए आप एक्सपोज हो जाते हैं, जो गद्दार इस वक्त लोग देश के, कासमी साहब आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं कि आप लोग राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। आपसे मैंने पूछा, आपने कहा भारत में दीन खतरा, भारत में दीन खतरे में, मैंने कहा मुझे दुनिया का एक देश, मैं जवाब दे रहा हूं, देश बता दीजिए जहां दीन सुरक्षित आपको लगता है मुसलमानों का, भारत से ज्यादा, भारत से ज्यादा कहीं मुसलमान खुश हो, मुझे एक देश बताइए सर। अमन जी कासमी साहब एक मिनट, राकेश सिन्हा जी एक मिनट, व्यूअर्स को बता दें हलाला की व्यवस्था, जवाब दे दीजिए, सलाहियत रखिए। हाँ कासमी साहब बताइए कौन सा देश, एक मिनट कौन सा देश, बात पूरी होने, भारत नहीं तो कौन सा देश, भारत, हम भारत हमारा देश है, भारत में मुसलमान कोई किरायेदार नहीं है कि यहाँ जो है बहुत इत्मीनान के साथ रह रहे, भारत हमारा देश है, इस देश की हिफाजत करना आप कह रहे हैं भारत में दीन सुरक्षित नहीं है, अगर आप क्यों कह रहे हैं भारत में दीन सुरक्षित नहीं है आपका, देश आप क्यों कह रहे हैं आपका धर्म सुरक्षित नहीं है, किसी भी मजहब पर आप क्यों धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं भारत में सर, हम कब कह रहे हैं आप क्यों मुसलमानों को डरा रहे हैं, पर अगर किसी तरह का हमारा ही, अरे कासमी साहब हमारा ही धर्म नहीं, किसी भी धर्म पर किसी भी तरह का अगर कभी भी कोई भी हमला होगा तो चिंता छोड़ दीजिए ना, आप अपने धर्म की बात करिए, देश के अंदर पे आप बोल रहे हैं एक्सपोज होते हैं, आप ऐसा कासमी साहब कर रहे हैं, आप तथ्यों पर बात करिए ना, वही बात कासमी साहब, राकेश सिन्हा बोलने दे तब तो सुने, इतिहास को क्या 47 से पहले, अरे राकेश सिन्हा जी बोलने दीजिए ना, अरे अमन जी, अमन जी आप 47, अरे राकेश जी बोलने दीजिए ना, 47 से पहले कहां जा रहे हैं, हर साल धर्म संसद होता है, हर साल धर्म हो रही है इस देश में आज दलित दलितों पर जा रहे हैं, धर्म के समाज की बात कर रहा हूं डॉक्टर उपाध्याय, बार बार बात करते हैं धर्म की बात, जनसंख्या की बात कर रहे हैं, एक मिनट डॉक्टर उपाध्याय, एक मिनट, एक मिनट डॉक्टर उपाध्याय, एक मिनट राकेश सिन्हा जी, एक मिनट राकेश सिन्हा जी, एक मिनट कासमी साहब, एक मिनट कासमी साहब, एक मिनट सर, मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी ना, कुछ समझ नहीं आएगा, डॉक्टर रिजवान अहमद भी चुपचाप बैठे हैं, वो भी बोलना चाह रहे हैं, अगर एक एक करके बोलेंगे समझ में आएगा, पहले मैं सवाल कासमी साहब से लूंगा फिर आप राकेश सिन्हा जी बोलिएगा, 30 सेकंड मैं कासमी साहब आपको दे रहा हूं, आपने मुझे कहा भारत में दीन
खतरे में है, दीन बचाना है भारत में, देश में, देश बचाओ। सर मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, दुनिया का कौन सा देश है ऐसा जहां भारत से, भारत में मुसलमान जितने खुश हैं वहां दूसरे देश में खुश हो? सर एक देश बताइए आप। आज बार बार भारत को, देश को कोसते हैं, देश में हम लोग खतरे में हैं। सर क्यों आप झूठ फैलाते हैं, क्यों डराते हैं मुसलमान को? एक देश बताइए सर, एक देश। आप इस देखिए प्लीज बोलिए सर, 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड। भारत में मुसलमान किसी वीजा पे रह रहा हो, ये भारत में मुसलमान वीजा पर नहीं रह रहा है, भारत एक देश है और हम यहाँ के शहरी हैं। अगर देश में किसी भी तौर पर, किसी भी मजहब पर कोई खतरा होगा तो मुसलमान सबसे पहले आएगा। मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के किसी भी मजहब पर कोई खतरा होगा, कोई भी सरकार खतरा होगा सर बता तो दीजिए डॉक्टर, उस मजहब को बचाने खतरा बता तो दीजिए, होगा इतना समय दे रहा हूँ, खतरा बताने के लिए कुछ है नहीं, खतरा होगा आप बताइए ना कासमी साहब, क्या खतरा सर? आप ट्रिपल तलाक के अलावा कुछ है आपके पास? किसी समुदाय को एतमाद में लिए बगैर, उसको किसी समुदाय को एतमाद में लिए बगैर उसके पर्सनल लॉ के खिलाफ आप बिल लाएंगे तो इससे बड़ा खतरा क्या होगा? सर आप तलाक बिद्दत के साथ हैं, आप हलाला के साथ हैं क्या? तलाक बिद्दत चाहते हैं आप, हलाला चाहते हैं क्या? आप बोल दीजिए हाँ मैं चाहता हूँ, हाँ मैं हलाला चाहता हूँ, हाँ मैं तलाक बिद्दत चाहता हूँ, हाँ मैं ट्रिपल तलाक चाहता हूँ। सुन लीजिए। सर हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं हुआ क्या? सिखों का जो पर्सनल लॉ मैरिज को लेकर उसमें भी बदलाव नहीं हुआ क्या? डाउरी एक्ट नहीं खत्म किया गया क्या? चाइल्ड मैरिज नहीं खत्म किया गया क्या? जो संविधान सम्मत नहीं होगा उसको खत्म किया जाएगा, क्या दिक्कत है सर? जब अमन जी जब हिंदू मैरिज एक्ट बना या जो भी हिंदू से मुताल्लिक कोई भी इस्लाह की कोशिश हुई तो वहाँ पर किसी मुसलमान को सर पूछा गया था कोर्ट में, आप लोगों ने कहा कि मार देने से बढ़िया तलाक, पूरे होने दीजिए। कोर्ट में कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, मार देगा पति उससे बढ़िया तलाक है, यही शब्द थे ना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। एक में राकेश सिन्हा जी आप बोलिए, उसके बाद डॉक्टर रिजवान आपके पास डॉक्टर रिजवान मुझे 30 सेकंड दीजिए, पहले राकेश सिन्हा 30 सेकंड फिर आप बोलिएगा सर प्लीज। मारा जा रहा तंदूर का राकेश सिन्हा, कभी होटल में मार दिया जा रहा है, कभी कहीं मार दिया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? ठीक है सर राकेश सिन्हा सुन तो लीजिए एक मिनट राकेश सिन्हा देखिए, एक सामान्य कानून और व्यवस्था की बात को लेकर यदि कहा, कानून व्यवस्था की बात लेकर आप सरकार का विरोध करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जब कहते हैं दीन खतरे में, मैं 3 बातें बताना चाहता हूं। मैंने पहले भी कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, लाखों करोड़ रुपए की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सरकार ने आज तक टच नहीं किया, उस वक्फ बोर्ड में इतनी भ्रष्टाचार है, सरकार को कायदे से कानून बनाकर उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन किसी भी सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। ये दिन तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज में तो जब किसकी सरकार है, आपकी सरकार है, क्यों नहीं कर रहा है? वो तो हम भी कह रहे हैं कि होना चाहिए भ्रष्टाचार, होना चाहिए। राजनीति साहब बीच में मत बोलिए, आपने जो सहायता दे रखा है, इस्लाम और राष्ट्रवाद दोनों ही प्रतिरोधी ताकत के रूप में है, ये राष्ट्रवाद, ये भारत माता वंदे मातरम के नाम पर दिदकते हैं, इनको खतरे में नजर आता है। ठीक है आप एक चीज बता दीजिए, हलाला क्या है? अरे राकेश सिन्हा जी शर्म कर लीजिए, देख लीजिए गांधी मैदान में कितने तिरंगे झंडे लहरा रहा है, पति से विवाह, देख लीजिए गांधी मैदान में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे किस तरह गूंज रहे हैं। ठीक है, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है कासमी साहब, ठीक है, देश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। ठीक है सर, आप दोनों को पूरा समय दिया गया, एक मिनट सर मुझे, एक मिनट सर आगे बढ़ना होगा, देख लीजिए सर एक मिनट, आलोक सर भी है, एक मिनट मुझे आगे बढ़ना होगा, देख लीजिए राकेश जी एक मिनट, राकेश सिन्हा आपका ऑडियो सर माफ कीजिएगा प्लीज सर, पूरा समय दिया गया कासमी साहब आपको भी, राकेश सिन्हा आपको भी। फहीम बेग साहब सीधा सवाल आपसे, आप प्लीज जवाब दीजिएगा, बार बार ये कहा जाता है पर्सनल लॉ में दखलंदाजी, पर्सनल लॉ में दखलंदाजी। सर सर हिंदू मैरिज एक्ट में भी बदलाव हुए हैं सर, सिखों का जो कानून है मैरिज का उसमें भी बदलाव हुए, जो संविधान सम्मत नहीं होगा अगर उसमें बदलाव हो रहा है, यही सवाल उठता है सर, देश बड़ा, संविधान बड़ा या पर्सनल लॉ क्या बड़ा है सर? देखिए सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि देश के संविधान और शरिया में जहां तक मेरी समझ है कोई तकरार नहीं है। जी बोलिए बोलिए आप बोलिए बोलिए आप बोलिए फहीम बेग साहब बोलिए। जी मैं बोलूं बिल्कुल बोलिए आप बोलिए, बात पूरी करिए। आपस में किसी तरह की कोई तकरार नहीं है, और बल्कि संविधान की धारा 23, 24, 25, 29 तक ये पूरे देश में हर धर्म को उसका पूरा अधिकार दिया जाता है। ठीक है, हमारा जो कहना है कि क्या हमारे संविधान की मूल भावना के साथ छेड़खानी करके जिस तरीके से इस देश में अब एक नई प्रथा चल रही है, बल्कि भाजपा के मंत्री एमपी और उनके कार्यकर्ता इस बात को खुले मन से कहते हैं कि हम संविधान बदलने आए हैं। अब आप बार बार अमन साहब एक बात पूछ रहे हैं, क्या खतरा जनाब,
60 से ज्यादा लोगों को, एक समुदाय विशेष के लोगों को मार दिया जाता है, खुलेआम उनकी वीडियो बनाई जाती है, पूरे देश में प्रचलित की जाती है, उनके धार्मिक स्थलों पर जाकर बम फोड़े जाते हैं, उनके सामने नारे लगते हैं, तलवारें निकाली जाती हैं। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं, मगर उनको मालूम है कि कौन लोग ये कर रहे हैं और किस धर्म को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये देश के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे उस हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, हमारे उस भाईचारे के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और ये राकेश जी इसके जिम्मेदार है, ये शुक्ला जी उसके जिम्मेदार जवाब दे देंगे, ये जो लोग वादा करके आए हैं वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, आपको पूरा समय दिया है। डॉक्टर रिजवान आप बोलिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैं आलोक सर के पास आऊंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, अभी मुझे एक बात पर आपत्ति है अमन भाई। अभी प्रेम शुक्ला जी ने बोला कि ट्रिपल तलाक को लेके कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कानून बनाने का, तो उस पर कानून बन रहा है। प्रेम शुक्ला भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये जो आप सफाई दे रहे हैं इसमें भी मुझे अपीजमेंट की बू आ रही है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे या ना दे, इस देश से हलाला खत्म होना चाहिए, पॉलीगैमी खत्म होनी चाहिए, ट्रिपल तलाक खत्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आप की तरफ क्यों आप उठा के देख रहे हैं? खुद कानून बनाइए डंके की चोट पर, और जो एतराज करता है एनएसए में उठा के उसे जेल में डालिए। सुप्रीम कोर्ट ने शरिया के नाम पर इमोरैलिटी करने का अधिकार नहीं दिया है, शरिया के नाम पर औरतों का हनन करने का अधिकार दिया है। रिएक्शन देना चाहते हैं कि देश में ये गॉड से की बात कर रहा है, कोर्ट की बात क्यों करते हैं? अरे भाई, ये कौन व्यक्ति है जो गांधी के देश में गॉड से की बात कर रहा है? अरे कौन व्यक्ति है ये? कौन धमका रहा है? अरे भाई कौन है? ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। कौन आदमी है ये झूठ बोल रहा है? पर ये गांधी के देश में गॉड से की बात बोल रहा है, हम आपके साथ। कौन है ये व्यक्ति? क्या है इस आदमी की? बनाइए क्या औकात है इस आदमी की? अरे तुम्हारे क्या हैसियत है? मैं गॉड से की बात बोल रहा है, बहन बेटे बनाना चाहते हो? अरे भाई कौन है व्यक्ति? शब्दों की गरिमा बना कर रखे सर, वो भी हमारे गेस्ट है। कौन है वो भी हमारे गेस्ट है? आप औकात शब्द का इस्तेमाल कर संविधान को चेंज, भाषाई गरिमा बना कर रखे। शर्म आती है तुम जैसे मुसलमानों पर? अरे भाई ये है कौन व्यक्ति? शर्म आती है? अरे भाई ये व्यक्ति है कौन? एक मुट्ठी पानी में डूब मरो तुम लोग, चुल्लू भर पानी में। सलमान खान की तरह कपड़े पहन के आके बैठा है ये व्यक्ति है कौन भाई? टाई बूट लगा कर बैठा है कौन है ये व्यक्ति? है कौन डिजाइनर? कौन है? मुझे बड़ी हैरत हो रही है, कपड़े पहन के आते हो सर्कस के जोकर की तरह? जो हमारा ड्रेस डिजाइनर कौन है? सड़क छाप जोकर लग रहे हो? जोकर बताइए सर, अफ्रीका के गुरिल्ला का भी योग कर रहा दी है? अरे गांधी का देश है बेवकूफ, अफ्रीका के गुरिल्ला लग रहे हो? ये गांधी का देश है? गुरिल्ला ने जैसे रोशनी का देश नहीं है? एक मिनट, ठीक है, अरे बेवकूफ, एक मिनट ठीक है सर, अफ्रीका का गुरिल्ला लग रहे हो? अफ्रीका के गुरिल्ला? ये पर्सनल कमेंट्स ना हो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, दोनों से सर प्लीज। आप लोग मुस्कुराते हुए अच्छे लग रहे हैं, आप दोनों मुस्कुराते रहे, लड़े ना सर, लड़े ना, पर्सनल कमेंट्स ना करें सर, ये शब्द नहीं सर, बेवकूफ वगैरह। वो भी गेस्ट हैं सर हमारे, डॉक्टर रिजवान, कोई सफाई की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आलोक सर, कोई सफाई, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, कानून बनाओ। ठीक है सर, ठीक है आलोक सर, सही बात है, ये हर कोई वही लाइन चुप रहा है ना, ये मजहब धर्म के नाम पर मोदी विरोध है ना, और वही लामबंदी की शायद कोशिश की जा रही है। अमन जी कहो धर्म के नाम पर, जैसे तालिबान जो करता है अफगानिस्तान या पाकिस्तान में, वही धर्म के नाम पर यहाँ करने की कोशिश हो रही है, जो कभी नहीं होना चाहिए। जैसा अभी वो कह रहे हैं पटना के गांधी मैदान में तिरंगे के साथ है तो अच्छी बात है, लेकिन उनको उस रास्ते पर मत ले जाइए जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर जो गरीब लोग हैं, जो कम शिक्षित हैं, उनको आप भड़का करके केवल सरकार से सत्ता में आना उनका लक्ष्य है यदि, तो फिर भी सत्ता में आइए तो उनके असली मुद्दों पर आए। ठीक है, लेकिन असली समस्या ये हो रही है कि जो भी लोग इस तरह के आंदोलन या उसकी बातें करते हैं उनके पीछे धर्म का नाम है, वो धर्म के बारे में हो सकता है कि पुरानी बातें उनको पता भी नहीं होगी कि धर्म में क्या लिखा हुआ है। आपको पूरा मौका दिया, एक मिनट सर, कासमी साहब एक मिनट फहीमबेग साहब प्लीज, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, कासमी साहब भड़का रहे हैं आप ना देश को धर्म के नाम पर। एक मिनट आलोक, यही सवाल है कि क्या धर्म के नाम पर भड़काने का काम कर रहे हैं आप लोग? लोगों को भड़का रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, डरा रहे हैं, यह सवाल है आलोक सर का आपसे। तालिबान लाना चाहते हैं, हर साल आरएसएस के धर्म संसद होते हैं, वहां पर तो आप मोहन भागवत जी से ये नहीं सर, वहां देश बचाओ धर्म बचाओ तो नहीं कहा जाता ना उनको डायरेक्ट चैलेंज सर, वहां ये कहा जाता है क्या हिंदू धर्म खतरे में है? वहां ये कहा जाता है क्या देश खतरे में है? वहां से सुप्रीम, कासमी साहब देश बचाओ धर्म बचाओ तो नहीं होता ना वहां पर? वहां से सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट चैलेंज किया जाता है? आप लोग भी तो चैलेंज ही कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि तलाक
के लिए कानून बने। वहां किसने कहा? आप भी गलत बोल रहे हैं, आपका भी रिसर्च गलत है सर। सर मुझे पता है माइनॉरिटी जजमेंट था, मुझे पता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक नहीं करार दिया था क्या? असंवैधानिक नहीं करार दिया था क्या? नहीं बैन लगाया था, नहीं बैन लगाया था, उसको हमने मान लिया, मान लिया ना। फिर काम आना है, काम आना है, उसी पर तो आप लोगों ने आंदोलन बुलाया, उसी पर तो आप लोग इकट्ठा हुए हैं। तो उसके बाद बिल क्यों लाए? ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार कर बैन किया ना सुप्रीम कोर्ट ने। आप लोग कह रहे हैं संविधान संविधान संविधान, सर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, उससे बड़े तो आप लोग नहीं है ना कासमी साहब। सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप लोग पॉइंट बात कीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बात, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था, जिसके बाद सरकार ने कानून बनाया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए जी। आप बोलिए, 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 बोलिए। कोर्ट का 22 अगस्त 2017 को जब फैसला 22 अगस्त 2017 को जब फैसला आया, हमारी सारी तंजीमों ने खुल करके ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराकों पर हम कबूल करते हैं। उसके बाद कहीं कोई किसी भी तरह से कहीं भी उसकी नहीं मुखालफत। तो फिर आज क्या करने जुटे हैं आप लोग? सरकार ने भी कहा आज तो छाती पीट रहे हैं आप लोग। सरकार ने ऐलान किया कि बिल लाने की कोई जरूरत नहीं है। स्वागत कर रहे हैं उसके बाद दो महीने के बाद बिल कर रहे हैं तो फिर ये विरोध क्यों हो रहा है? मीनाक्षी लेखी पार्लियामेंट में दांत खोलते हुए ये कहती है, क्या कहती है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ता हुआ हमारा कदम है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो हिम्मत है, मैं चैलेंज करता हूँ। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्ट लाइए, डायरेक्ट उसकी ड्राफ्ट लाइए। तंत्र में बहस होगी, ये दर्द है ना आपका? लोकतंत्र में हक है ना संसद में बोलने का? सर लोकतंत्र में संसद में बहस नहीं होगी तो क्या आपकी तरह आंदोलन करेंगे? देश बचाओ, धर्म बचाओ, संसद में डिस्कोर्स होगा ना, बहस होगी ना, उस पर बात ही रखी गई ना। आप ये आप जो सड़कों पर निकलकर इससे धर्म खतरे में आ जाता है क्या? जो इस्लाम में अच्छी बात है उसको भी लिया जाए। आंदोलन करना हमारा फंडामेंटल प्रेम शुक्ला जी सर आंदोलन करिए ना, डरा क्यों रहे मुसलमानों को? रोक नहीं सकते, ये क्यों कह रहे हैं इस्लाम खतरे में है? आंदोलन करना हमारा राइट है सर। आंदोलन करिए ना, इस्लाम खतरे में क्यों कह रहे हैं? धर्म खतरे में क्यों कह रहे हैं? गलत है, क्यों मुसलमानों को बहका रहे हैं, बौखला रहे हैं सर? क्यों डरा रहे हैं मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं आप पर? एक मिनट प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला अटैक होगा, प्रेम शुक्ला आप रिएक्शन दीजिए, फिर मैं फाइन देख के पास जाऊंगा जी। प्रेम शुक्ला जी ये दर्द है, ये कहा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक के जरिए आप लोग सामान्य आचार संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाह रहे हैं। अमन प्रेम शुक्ला जी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाह रहे हैं, ये उनकी। अमन भाई आप मैं प्रार्थना करूंगा, आपके पैनल में आपके पैनल में दो लोग बैठे हुए हैं, फहीम बेग और मौलाना कासमी, और दोनों अभद्र भाषा का बारंबार प्रयोग कर रहे हैं। प्रतिक्रिया में हमारे मुंह से भी कभी अभद्र भाषा निकली तो चैनल में चर्चा का जो स्तर है गिरेगा। नहीं सर, ना निकले, मैंने उनको टोक दिया था, आगे बढ़े। इन्होंने फहीम नहीं, मैंने टोक दिया था, आगे बढ़े। फहीम बेग ने कहा कि पहलू खान या इस तरह की जो हत्याएं हुई उसके लिए राकेश सिन्हा जी या प्रेम शुक्ला जिम्मेदार है। तो 4 लाख पंडितों की जो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उनको भगाया गया, लाखों महिलाओं लाखों लोगों को उजड़ना पड़ा, सैकड़ों महिलाओं पर बलात्कार हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड कि मौलाना कासमी यूनिफॉर्म सिविल कोड इस पर जवाब दीजिए। इसका कोई प्रेम शुक्ला जी दूसरा मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बताइए हमारे संविधान में कासमी साहब की कासमी साहब को ये परेशानी है हमारे संविधान। सुनिए एक मिनट कासमी साहब जवाब दे रहे हैं। हमारे संविधान के जो मार्गदर्शक तत्व हैं उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान के मार्गदर्शक तत्वों का अंग है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाने की मांग करना यह हमारा मौलिक अधिकार है। और इस मौलिक अधिकार पर अगर कोई बात करता तो संसद में एक सांसद को बात करने का अधिकार नहीं है, ठीक है, और इनको आंदोलन करने का अधिकार है, ठीक है। तो इनकी जो समझ है मूलतः ये जो व्यक्तिगत अधिकार की संवैधानिक अधिकार वही अत्यंत भ्रामक है। आप में हिम्मत है तो सर आप चैलेंज कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे इस्लाम खतरे में। चैलेंज करेंगे आप इस्लाम खतरे में? सर महिलाओं को अधिकार दिलाने से आपका अधिकार आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है? फहीम बेग साहब क्या चैलेंज करेंगे आप? सर यही चैलेंज आप लोग ट्रिपल तलाक के टाइम करते थे ना? वही कह रहा हूँ, ये चैलेंज यही चैलेंज ट्रिपल तलाक के टाइम किया जाता था। फहीम बेग साहब, फहीम बेग, कासमी साहब एक मिनट, कासमी साहब एक अमन जी देखिए, फहीम बेग जो न्याय अब फहीम बेग बेसिक बात यह है कि जिस प्रकार से प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि ये संविधान की मूल धारणा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसका ये मौलिक इनका अधिकार है, अच्छी बात है, आप किसी बात को रख सकते हैं। तो उसी संविधान ने उन दूसरे लोगों को भी, इस देश के लोगों को ये अधिकार दिया है कि जो चीज न्याय संगत नहीं है, जो संविधान संगत नहीं है, उसके लिए वो आवाज उठा सकते हैं। मगर मेरी शिकायत यहां
आज वो इन शरीयत इमारियत से है जो इन लोगों ने आज पटना में ये रैली की है, क्या कभी इन्होंने इस प्रकार से ये शक्ति प्रदर्शन मुसलमानों के रोजगार के लिए किया? बहुत बढ़िया बात बोली। तालीम के लिए किया? बहुत बढ़िया। क्या उन पर जिस प्रकार से जुल्म ज्यादती कुछ लोगों ने किया बहुत उनके लिए किया? फहीम बेग साहब, आपने आपने मेरे ख्याल से यही यही पकड़ा। डेढ़ महीने में काश्मी महिलाओं को सड़कों पर लाया गया जी, उसी तरह से क्या उनके आपके पास आ रहा हूँ उनके रोजगार के लिए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लाए गए सड़कों पर? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा काश्मी साहब, सदस्य बैठे हुए पॉलिटिक्स छोड़िए ना, अगर वाकई राकेश सिन्हा जी साहब अगर वाकई मुस्लिम्स का अपलिफ्टमेंट आप लोग चाहते हैं तो उनके हक की आवाज उठाइए ना। आप रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर ये बात करिए, आप लोग धर्म खतरे में आ जाता है आप लोगों का। सूर्य नमस्कार होता है तो धर्म खतरे में आ जाता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल। मैं 30 सेकंड में सिर्फ जवाब देता हूँ। बिल्कुल 30 सेकंड आपके पास। पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना एक दायरा है काम करने का, वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लॉ ही पर काम करता है वो। अगर मुसलमानों के मजहब में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस होगा जहां भी, तो वहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हरकत में आएगा। जहां तक मुसलमानों के रोजगार से मुतालिक है, सब चीजों के लिए जमीयत उलमा हिंद या दूसरी तंजीम काम कर रही है, रिजर्वेशन के मसले को लेकर हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सिस्टम है, अपना एक तरीका है। ठीक है काश्मी साहब, आपकी आवाज अभी बंद है। ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात, आपकी बात समझ गया। राकेश सिन्हा जी, ठीक है एक बार एक डॉक्टर रिजवान मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं राकेश सिन्हा के पास नहीं जा पाया बहुत टाइम से। राकेश सिन्हा देखिए, जो लोग कहते दिन खतरे में, उनको मैं दो छोटी सी बातें कहना चाहता हूँ। 2017-18 की बजट में 4,000 करोड़ अल्पसंख्यकों के नाम पर दिया गया, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 17,000 करोड़ दिया गया। बिल्कुल ठीक। क्या बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में अंतर है? और ये अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ काश्मी साहब से कि चार मुस्लिम नेताओं का नाम ले रहा हूँ। मोइन सकी समाज शास्त्री थे, ए भाई जी बहुत बड़े समाज शास्त्री थे जो यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, हुमायूं कबीर है और एमएच बेग, इन चारों नेताओं ने यूनिफॉर्म से ठीक है फहीम बेग साहब एक मिनट, आज डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर अजय रिजवान की बात आप बोलिए। ठीक है मुझे एक मिनट सर, एक मिनट। ठीक है राकेश सिन्हा सर, आपका पूरा पॉइंट टेकन सर, आपने जो बोला पूरा सुना। डॉक्टर रिजवान मुझे आप एक चीज और समझा दीजिए, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आप इस्लामिक स्कॉलर हैं सर, क्या शरिया में बदलाव नहीं हुआ आज तक या नहीं हो सकता अगर वो संविधान सम्मत नहीं होगा तो? सर एक मिनट, काश्मी साहब एक मिनट बीच में मत बोलिए, आपका ऑडियो बंद है सर, आपका ऑडियो बंद है। डॉक्टर रिजवान जी, क्या शरिया में बदलाव नहीं हुआ या नहीं हो सकता? अमन जी, बदलते वक्त के साथ। आज तक पूरी दुनिया में शरिया को कॉडिफाई नहीं किया गया है, डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। जो ये मौलाना चाहते हैं शरिया बना देते हैं, जो ये चाहते हैं उसको शरिया से आउट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मार्केट में कुरान के तर्जुमे मिलते हैं, गीता के तर्जुमे मिलते हैं, शरिया जैसी कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, कोई मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। एक मिनट आप रिएक्शन दीजिए। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह की बातें अभी एक चर्चा चल रही है, इन चर्चाओं में सिर्फ आप धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे राजनीति तो हो रहा है। आप शिक्षा के लिए मांगिए, आप उनके विकास के लिए मांगिए, और जैसा कि अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे थे, ठीक है 17,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में रखा, लेकिन क्या आधार पर उनके लिए कोई काम हुआ? उनके नौजवान आज रोड पे घूम रहे हैं, उनके बच्चियों को शिक्षा नहीं, सड़क पर तो शाहबानो भी थी, ताकि वो सड़क पर तो शाहबानो भी थी ना, जब कभी सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, शाहबानो भी तो सड़क पर थी ना सर, उस पर आप नहीं बोलेंगे। आलोक सर आप जल्दी से 30 सेकंड में रिएक्शन दीजिए, मुझे माइंड अप करना है। देखिए मुझे लगता है कि ये बहस बेमानी है, भारत को तालिबानी किसी भी धर्म के नाम पे बनाना देश के साथ लोगों के साथ अत्याचार होगा, और ऐसे सारे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि वो ऐसा काम न करे जिससे कि लोग भड़के और हिंसा की तरफ जाएं। और मेरे ख्याल से सबसे बुनियादी सवाल यही था जो मैं बार बार जानने की कोशिश कर रहा था कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है ऐसा भारत के अलावा, जितने भारत में मुसलमान खुश हैं या समृद्ध हैं वो किसी और देश में उनका दीन जो है सुरक्षित हो जाएगा, वो कौन सा देश है भारत के अलावा, ये कोई मुसलमान नहीं बता पा रहा, क्योंकि सारे भारत के जो मुसलमान हैं वो वाकई बहुत खुश हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्टर्स, कहाँ मुसलमानों ने जो है लोहा नहीं मनवाया, हर जगह मुसलमान टॉप पोजीशंस पर रहे हैं। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो भड़काने की और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, ताल ठोक के देख लेते हैं।